दोस्तों आप सभी के लिए फिर से मैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सीरीज लेके आ चुका हूँ जिनमें क्या कोई 80+ का कंटेंट भर भर के देखने को मिल जाता है। सभी सीरीज काफी टॉप लेवल की है और मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद सभी सीरीज को एंजॉय कर लीजिए। वेल अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक शेयर कर देना, जिससे हमें काफी से हेल्प मिल जाएगी ऐसे कंटेंट बनाने में। नंबर 5 पे साल 2018 में इस सीरीज जिसका नाम है डार्क 7 वाइट। ये सीरीज में स्टोरी देखने को मिलती है एक पॉलिटिशियन की जिसकी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है और उसी के सस्पेक्ट में उसी का फ्रेंड फंस जाता है और क्या उसी ने उसको मारा होता है या फिर नहीं, उसी की मिस्ट्री को इस सीरीज में सॉल्व किया जाता है। सीरीज काफ़ी ज़्यादा कमाल की है और सीरीज को IMDb ने 8.2 की रेटिंग दी है। साल 2017 में इस सीरीज जिसका नाम है रागिनी MMS रिटर्न। ये सीरीज आपको थर्ड फ्रेंचाइजीज देखने को मिल जाती है रागिनी MMS की, और अगर आपने इस सीरीज को नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर आप एक हॉरर ड्रामा सीरीज के फैन है तो भाई इस सीरीज को एक बार आपको मस्ट ट्राई करना चाहिए। अब सीरीज का मैं सीरीज का प्लॉट बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा जिससे कि आपका मजा मैं स्पॉइल कर दूँ। ये सीरीज को आप फ्रीली इंजॉय कर सकते हो MX प्ले में। साल 2021 में सीरीज जिसका नाम है कुर्तिकरम। सीरीज को IMDb ने 6.9 की रेटिंग दी है। सीरीज में स्टोरी देखने को मिलती है दो गैंग्स की जो कि चेन्नई के ऊपर रूल करना चाहते हैं और क्या उनमें से किसी भी गैंग को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो चेन्नई के ऊपर रूल कर सके या फिर नहीं, वो आपको सीरीज का प्लॉट देखने को मिलता है। सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सीरीज को आप काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करने वाले हो। साल 2020 में इस सीरीज जिसका नाम है मर्जी। सीरीज को IMDb ने 7.2 की रेटिंग दी है। सीरीज में स्टोरी देखने को मिलती है शिमला की, जहाँ पे एक स्कूल टीचर को एक लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसकी जिंदगी में, उसके वो प्यार कर भी पाती या फिर नहीं, वो आपको सीरीज का प्लॉट देखने को मिलता है। सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और डैम श्योर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। बैक गर्ल्स हॉस्टल, अगर बात करें सीरीज की तो सीरीज काफ़ी कमाल की है और इसका लगभग 2 सीजन देखो मिलते हैं। दूसरा सीजन मैंने रिसेंटली देखा था और मेरे को काफ़ी अच्छा कंटेंट लगा था। वेल बात करें इसके रेटिंग की तो IMDb ने इस सीरीज को 8.2 की रेटिंग दी है और सीरीज में स्टोरी देखो मिलती है हॉस्टल की जो कि गर्ल्स का होता है और गर्ल्स के हॉस्टल में गर्ल्स को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है तो उसके ऊपर पूरा प्लॉट सीरीज का देखो मिल जाता है। सीरीज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है और मेरी पर्सनल सीरीज है और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अगर आप एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज के फैन है तो भाई इस सीरीज को एक बार आपको मस्ट ट्राई करना चाहिए।